नहीं, सबको अधिकार है नया पार्टी ज्वाइन करने का, मैं उनका भी डेमोक्रेसी में सबको राइट है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है दिनेश देव वर्मा और श्रीराम देव वर्मा असेंबली के टाइम इपरा मोथा, क्योंकि दिनेश को टिकट नहीं मिला था रामचंद्र घाट से, तो वो नाराज होकर उसी टाइम से तिपरा मोथा में नहीं था, मतलब शुरुआत से ही दिल में चिप था, नहीं उनको टिकट नहीं मिला था, बिना टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन हम लोग का फाइट टिकट के लिए नहीं, हम लोग का फाइट सीपीएम का आइडियोलॉजी नहीं है, बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं है, हम लोगों का जो फाइट है वो तिपरा लैंड का आइडियोलॉजी है, जो हमको हमारा अधिकार देगा वो आइडियोलॉजी है, ये मूवमेंट है। अगर हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब हुआ था तब उसमें आइडियोलॉजी नहीं था, फ्रीडम था, हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए, टिकट तो मैं भी, मुझे भी नहीं मिला, विजय रामखन को भी नहीं मिला, टिकट नहीं मिलने से अगर आप लोग चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनका अधिकार है, मैं दिनेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, श्रीराम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कांग्रेस में हमारे संघ थे, आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट वो भी पार्टी शुरू करना आसान, पार्टी में पैसा खर्च करके मेहनत करके काम करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आई विश देम द बेस्ट, आई होप दे ऑल्सो कीप ऑन फाइटिंग फॉर तिपरा लैंड। अच्छा, वो बगैर कुछ और नेक्स्ट टाइम उनको भी बोलिए कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इतना आसान नहीं होता है अपोजिशन में बैठकर अपने लोगों के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज करके फाइट करना। कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये कहना है कि 2023 तिपरा मोथा का लास्ट फाइट है, तो 2023 खत्म हो गया, तिपरा मोथा का लास्ट फाइट भी खत्म हो गया, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? तिपरा मोथा इम्पोर्टेंट नहीं है, तिपरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर हम तिपरा मोथा पार्टी को अपने जाति से सामने रखेंगे तो तिपरा मोथा हो या IPFT हो या कोई भी पार्टी हो नहीं चलेगी, फर्स्ट कीप योर कम्युनिटी इन फ्रंट एंड देन टॉक, और हमारा लास्ट फाइट तब तक रहेगा जब तक मेरे अंदर जान, इतना जल्दी मैं हारने वाला नहीं हूँ। महाराज वो बोला था वो जो TSP का कैंडिडेट हुआ था वो उसका रीजन, देखो अनएजुकेटेड लोग से ज़्यादा डिबेट करने का दरकार नहीं, आप हमारा ये बहुत अनएजुकेटेड बात है, इसमें आप लोग इम्पोर्टेंस मत दो, आप सिर्फ ये एक चीज़ इम्पोर्टेंस दो, आप लोग मीडिया है, कॉकबरॉक मीडिया है, तिपरा सा लोग है, हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए, और अधिकार के लिए हम लोगों को राजनीति कम और अपने लोगों के लिए दिल्ली में एक आवाज़ में बात करना है, अलग अलग आवाज़ में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पहले से हम लोग का दुश्मन बहुत है, तो अपने घर में आग लगाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा, आपको इंडिविजुअली कुछ मिल सकता है, कम्युनिटी को क्या मिलेगा? थैंक यू।